फ्रेंड्स, आपने टाइटल और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी एक वीक के अंदर 2 क्लाउड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने गाइस एक वीक के अंदर GCP के 2 क्लाउड सर्टिफिकेशन को अटेम्प्ट किया और उनको पास भी किया। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा, लाइक मैंने कौन सा कोर्स यूज़ किया और मैंने क्या क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, वो सारी चीज़ मैं कवर करूँगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक गिफ्ट बॉक्स है मेरे पास जो मुझे गूगल की तरफ से रिसीव हुआ था, उसको भी अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि मुझे कौन से सर्टिफिकेशन करने पे ये गिफ्ट बॉक्स मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अगर आप भी सर्टिफिकेशन की जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले ही आपने एक एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन किया हुआ है या आप प्रोफेशनल लेवल का ट्राई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, पहला जो सर्टिफिकेशन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो है GCP सर्टिफाइड एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर। फ्रेंड्स, इस सर्टिफिकेशन की अभी फीस $125 है और इस सर्टिफिकेशन में मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जो इस सर्टिफिकेशन को रीड करने के लिए या गो थ्रू करने के लिए जो कोर्स यूज़ किया था वो यूडेमी में रंगाकर्णम का कोर्स था। वो कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग जो और भी कोर्सेज मैंने देखे, मुझे वो कोर्स बहुत अच्छा है, इन डेप्थ में समझाया हुआ लगा, तो आई थॉट कि मुझे उस कोर्स के साथ जाना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई डिफरेंट कोर्स अच्छा है या आपको किसी और कोर्स के साथ जाना है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, या आप किसी फ्री कोर्स लाइक यूट्यूब पर आप उसे पढ़ रहे हैं तो आप यूट्यूब के थ्रू भी वो ट्यूटोरियल्स देख के आप सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर आप कुछ पैसा स्पेंड कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए तो आप, मैं पर्सनली मेरे एंड से वो रंगाकर्णम वाला कोर्स आपको रिकमेंड करूँगा। आपको डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेशन में मोस्टली 30 से 40 सर्विसेज कवर की गई है मोस्टली। अब क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले दिया था, हो सकता है अभी थोड़े और सर्विसेज ऐड हो गए हैं, तो वो आपको थोड़ा ढंग से एक बार रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि आप जो आपको सिनेरियो मिल रहा है आप उसमें से बेस्ट डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं। और इस सर्टिफिकेशन में जो मोस्टली जो सर्विसेज आपको फोकस करना है वो है कंप्यूट इंजन, IAM, डेटाबेस, जी क्लाउड, ये सारी सर्विसेज आपको मोस्टली फोकस करनी है। उसके बाद मेरा जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने एग्जाम टॉपिक्स के थ्रू मेरी क्वेश्चन आंसरिंग की प्रिपरेशन करी। वहाँ पे आपको सैम्पल क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप एक्चुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप कि इन सारी चीज़ों से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर इन सारी चीज़ों का यूज़ करके अगर आप भी सर्टिफिकेशन क्लियर कर पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, दूसरा जो सर्टिफिकेशन मैंने ट्राई किया था वो था GCP सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेवऑप्स इंजीनियर। इस सर्टिफिकेशन की फ़ीस फ्रेंड्स अभी $200 है, वेबसाइट पे लिस्टेड है। इसमें भी सेम वही मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चन थे। और इस सर्टिफिकेशन को प्रिपेयर करने के लिए मैंने अंकित मिस्त्री का कोर्स यूज़ किया था जो कि Udemy पे अवेलेबल है। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो ट्राई कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन अगर आपने एसोसिएट कर रखा है और आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आगे बढ़ना चाहते हैं क्लाउड में और उसके प्रिंसिपल सीखना चाहते हैं तो ये आप सर्टिफिकेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस सर्टिफिकेशन में मोस्टली SRE प्रिंसिपल के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं लाइक एरर बजटिंग, SLO, SLA, SLI, एलिमिनेटिंग द टॉयल, ब्लेमलेस प्रोटेक्शन, तो ये सारी चीज़ इसमें कवर की गई है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपको CI/CD पाइपलाइन के बारे में पढ़ना है, आपको डॉकर के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद अब आपको बेस मिल जाता है तो आप इनके वाइट पेपर्स भी पढ़ सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, ये दोनों जो सर्टिफिकेशन मैं बता रहा हूँ आप थ्योरी के बेसिस पे ना जाकर कुछ प्रैक्टिकल्स ज़रूर करना। जो कोर्स में बता रखे हैं वो तो ज़रूर करना और आप भी अपने फ्री लैब के अंदर आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लें और थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए तो एग्जाम टॉपिक्स पे इसका एक सैम्पल क्वेश्चंस आंसर्स हैं तो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक्स के थ्रू आप उसकी क्वेश्चन आंसरिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करके अगर आप सर्टिफिकेशन क्लियर करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या आप मुझे कहीं इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, लिंक्डइन पे टैग करना है तो वहाँ भी टैग कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, ये गिफ्ट बॉक्स जब मैंने डेवऑप्स इंजीनियर कंप्लीट किया था तो मुझे एक वाउचर कोड मिला था जिसके थ्रू मैंने ये गिफ्ट ऑर्डर किया। आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। फ्रेंड्स, ये बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है।
माय गॉड, वाओ। ठीक है, अब मैं इसको आपके लिए ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, स्मॉल कप्स हैं और इस पे डेवऑप्स इंजीनियर का लोगो प्रिंटेड है। सेम एक और यहाँ पे लोगो के साथ, और यहाँ पे एक वाटर बोतल है। जब ये मुझे मिला था तो बहुत मुझे खुशी हुई थी, क्योंकि इतनी खुशी मुझे। ये प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है, लाइक बिल्ड क्वालिटी आप देखोगे और इसकी प्रिंट क्वालिटी देखोगे तो ये बहुत ही अमेजिंग है। आई होप आपको इन चीज़ों से भी कुछ मोटिवेशन मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि आप भी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें, प्रिपेयर करें। अगर आपकी कुछ हेल्प होती है इस वीडियो से तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। जो मैंने आपको गाइड्स इसमें बताएं, लाइक Udemy के कोर्सेज और एग्जाम टॉपिक्स, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और LinkedIn पे आप मुझे टैग करो अगर आपकी इससे कुछ हेल्प होती है तो। उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक ज़रूर लाइक कर देना, और हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।